नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। अंकिता कुमारी हत्याकांड देश का इकलौता ऐसा हत्याकांड है जहां पर बच्चियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं, बहुत जल्दी छोटी हो जाती हैं। पॉस्को एक्ट, एक एक्ट जिसमें नाबालिग बच्चियों को संरक्षण के लिए सरकार ने बहुत अच्छी उद्देश्य के साथ बनाया, लेकिन कुछ लोग इसका किस तरह से गलत इस्तेमाल करते हैं इस वीडियो में आज आप देखेंगे। संजीव कुमार, अंकिता का वो पिता जिसे बहुत अच्छी तरीके से जादूगरी पता है कि पॉस्को एक्ट में कैसे हमको अपना फ़ायदा निकाल के लेना है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अंकिता का पिताजी संजीव कुमार का बयान हुआ है कोर्ट के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा है कि लड़की ने तो ऐसे ही गलती से 19 साल बोल दिया था। उस गलती से ऐसे स्टेटमेंट जो कि मजिस्ट्रेट के सामने हुआ था, जिसमें अंकिता ने साइन किया, अंकिता के बाप ने साइन किया, उस अंकिता के बयान को उनके पिताजी ने ही कोर्ट में झुठला दिया कि नहीं नहीं वो तो गलती से 19 साल बोल गई थी। तो आपने साइन क्यों किया? चलिए आपने साइन कर लिया, आपसे भी गलती हो गई, लेकिन बताइए गलती कितनी बार होती है इंसान से? इतना बड़ा गलती केवल आप ही के साथ होता है देश में, और किसी पिता के साथ नहीं होता है। 19 साल की अंकिता 5-10 दिन में 17 साल की हो जाती है। 19 चार्जशीट और केस डायरी में पहले पेज पे अंकिता सिंह की उम्र 19 होती और 10वें-15वें पेज पहुंचते पहुंचते वो 17 साल की हो जाती है। ये वाकया संजीव कुमार के साथ पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले बहुत बार हो चुका है। क्यों, कैसे हो चुका है? इनकी एक बड़ी बेटी है इशिका कुमारी। आपके स्क्रीन पे जो एक आर्टिकल दिख रहा होगा, ये 28 फरवरी 2022 का कोर्ट आर्डर है, कोर्ट का आदेश। न्यायमूर्ति न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद जी ने ये आदेश दिया था, जो एडिशनल सेशन जज 3 हैं और इसके साथ में स्पेशल जज हैं पॉस्को के, दुमका जिला के। इस आदेश में क्या था, एक लड़का है बिक्की सहानी, उसके ऊपर केस किया था। किसने किया था? संजीव कुमार जी ने लिखाया ये था कि हमारी बेटी गायब है और गलत उद्देश्य से सेक्सुअल हरासमेंट करते हुए बिक्की सहानी हमारी बिटिया इशिका को लेके भाग गया। इस मामले में दुमका पुलिस स्टेशन के अंदर एक FIR दर्ज की जाती है। FIR नंबर होता है 163/2021, जो कि 29/6/2021 को दर्ज किया गया। इसके बाद इसकी जांच की पुलिस ने, जांच करते करते पुलिस लड़की के स्कूल पहुंच गई। स्कूल में इस बच्ची का जो उम्र दाखिला कराया गया था वो 17 साल का था। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ब्रैकेट में चौथा नंबर का ये ऑर्डर पे चौथा पॉइंट लिखा गया था, कोर्ट ऑर्डर पे ये लिखा गया था कि शी वॉज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 एट +2 गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल DC चौक दुमका एंड हर डेट ऑफ बर्थ इज 27/04/2005 इन द रिकॉर्ड ऑफ स्कूल रजिस्टर विच इज 17 ईयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट। ये जो केस था ये 29/6/2021 का था, मैं जो बच्ची की उम्र थी वो 17 साल पुलिस ने सत्यापित करके पॉस्को एक्ट लगा दिया, क्योंकि स्कूल के रिकॉर्ड में बच्ची नाबालिग थी। ये आपने देख लिया, कोर्ट ने ऑर्डर किया, सारा चीज़ आपके स्क्रीन पे है। अब आते हैं अंकिता सिंह के हत्याकांड पर। अभी आप भी सोच रहे हैं कि विनय दुबे का कर रहा है, यहाँ अंकिता का बात हो रहा है, बात इसकी बड़ी की बहन इशिका का चलाया जा रहा है। नहीं भाई साहब, मैं दिखाना चाहता हूं कि संजीव कुमार जी कितने शातिर आदमी हैं कि अपनी बेटिया के उम्र का कैसे सही इस्तेमाल कानूनी तौर पर अपने फायदे के लिए कर लिया जाए। ये उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। आपने देखा 19 साल की अंकिता को 17 साल बना दिए संजीव कुमार। अब देखिए दूसरा जादू दिखाते हैं। इनकी बेटी का उम्र आपने देखा 17 साल था 2021 में, अभी 2022 चल रहा है। फरवरी 2022 के ऑर्डर के हिसाब से 17 साल की थी इनकी बड़ी बिटिया इशिका कुमारी। पुलिस ने जब अंकिता केस में जब इसको अस्पताल ले गए तो इशिका का भी बयान दर्ज किया गया। यह आपके स्क्रीन पे जो बयान दिख रहा है, जो कि केस रजिस्टर केस डायरी का 22वां नंबर का पॉइंट पे ये बयान है, इशिका देवी का बयान, उसमें पहली लाइन जरा पढ़िए तो। उसमें लिखा है कि साक्षी विटनेस इशिका देवी ब्रैकेट में 25 वर्ष पति विक्की सहनी। ये वही विक्की सहानी है जिसके ऊपर एक साल पहले इनके पिताजी ने पॉस्को एक्ट में केस कराया, जिसमें इशिका की उम्र 17 साल थी। लेकिन देखिए चमत्कार, 6 से 7 महीने में 17 साल की इशिका 25 साल की हो गई। इशिका कुमारी का बयान
ब्रैकेट में 25 वर्ष। ये बयान पहली बार अस्पताल में लिया गया था, उसके बाद दूसरी बार बयान लिया गया जो कि 134वें पॉइंट की केस डायरी में लिखा हुआ है। ये आपके स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं इसमें इशिका कुमारी का बयान है, फिर से पढ़िए। इसमें लिखा है साक्षी इशिका देवी ब्रैकेट में 25 वर्ष। मैं जानना चाहता हूँ ऐसा कौन सा खाना कौन से चक्की का आटा खिलाया बिटिया को, ऐसा कौन सा घुट्टी पिलाया बिटिया को कि केवल 7 महीने में 17 साल की इशिका 25 साल की हो गई और 19 साल की अंकिता 17 साल की हो गई। लोगों की जिंदगियां कम ज़्यादा होती हैं, यहाँ ऊपर नीचे चल रही हो भी सालों में। ये पुलिस का रिकॉर्ड है और पुलिस ने बाकायदा इसको केस डायरी को कोर्ट के सामने हाजिर किया है। अब या तो इशिका का ये बयान झूठा है या तो अदालत में जो 17 साल बताया गया वो झूठा है। अंकिता ने मरते हुए अपने मुंह से 2 बार मजिस्ट्रेट के सामने अपना जन्म साल 2003 बताया। लेकिन इनके पिताजी ने दस्तावेज दिखाकर 2006 दिखाया कि स्कूल रिकॉर्ड के हिसाब से, ये आपको मैं दिखाता हूँ आपके स्कूल पे आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है 118वें पॉइंट पर पुलिस अनुसंधान में ये सत्यापित किया गया। पुलिस ने कांड के अनुसंधान में क्रम में राजकीय कन्या उच्च विद्यालय दुमका पहुँचा जहाँ पर विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य से संपर्क स्थापित किया। मृतका के पिता से प्राप्त किए गए मैट्रिक का अंक पत्र के अंकित जन्म तिथि का स्थापन हेतु अनुरोध किया गया। किए गए अनुरोध के आलोक में प्रभारी प्राचार्य द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसके अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि मृतका का जन्म तिथि 26/11/2 मतलब अंकिता का डाइंग स्टेटमेंट में 2003 को नहीं माना गया लेकिन उसी डाइंग स्टेटमेंट में अंकिता के बयान में शाहरुख का नाम को बहुत तगड़े से माना गया। मतलब एक लड़की मरते हुए 2 चीज़ें कह गई, एक मानेंगे दूसरा नहीं मानेंगे, लेकिन दस्तावेज साबित कर दिए गए कि वो नाबालिग थी। वैसे ही जैसे इनकी बड़ी बेटी पिछले 7 महीने पहले 17 साल की थी, अब वो 25 साल की हो गई है। मतलब अपने फायदे के लिए अपने मन में हिसाब से कितना भी उम्र उसमें घस लो, कम कर लो, चाहे ज़्यादा कर लो, लड़की का बाप है चाहे कुछ भी करा सकता है, लड़की है तो चाहे कुछ भी कर सकता है, कानून इनके लिए थोड़ी बड़ी बात है। इस केस में ये दोनों केस में आपको इसके लिए दिखा रहा हूँ कि आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरह से संजीव का परिवार जो है अंकिता का परिवार है वो कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है। आधार कार्ड पे 2008 है अंकिता के, अंकिता ने मरते हुए 2003 कहा, स्कूल के डॉक्यूमेंट पे 2006 है। केंद्र सरकार आधार कार्ड बनाती है, मतलब इनके पिताजी ने आधार कार्ड में गलत जानकारी दी जिसकी वजह से गलत आधार कार्ड बना, एक फॉर्जरी का मामला इनके पिताजी पे बनता है। अंकिता ने मरते हुए 2003 कहा, कोई भी लड़की मरते हुए गलत नहीं कहती, ये आप ही कहते हैं, आप ही लोग कमेंटों में लिखे मरती हुई लड़की गलत नहीं कहती, उसने तो 2003 भी कहा था, वो आप लोग नहीं मानेंगे क्योंकि फिर शाहरुख नहीं बच पाएगा, शाहरुख निकल जाएगा। यहाँ बात अंकिता को इंसाफ दिलाने की तो हैया नहीं है, यहाँ किसी तरह शाहरुख को फांसी पर लटका दिया जाए चाहे जौन धारा लगानी पड़े। तो घबराइए मत, अभी तो फैक्ट्स निकल के आने चालू हुए हैं। जिस तरह से अंकिता के पिताजी का कल बयान हुआ कोर्ट में जिसमें उन्होंने कहा कि गलती से अंकिता का 19 साल निकल गया मुँह से, तो भाई साहब जब गलती से निकला था तो आपने उस दस्तावेज पे क्यों साइन किया? और अंकिता की जो बड़ी बहन है वो 17 साल से 7 महीने में 25 साल हो जाती है, गजब एकदम दुमका में मचा के रखे हो भाई साहब, ये केवल दुमका में ही मुमकिन है। मैं निवेदन करता हूँ वहाँ के प्रशासन को कृपया सही जांच करें, अदालत में इस वीडियो को जो भी व्यक्ति दुमका का देख रहा है उनसे कहना चाहता हूँ कृपया इन तथ्यों को सोचें, उनके पिताजी से पूछिए कैसा क्या हुआ कि 1 साल पहले विक्की सहानी को आपने जेल में डलवा दिया, बेचारा कुछ महीने जेल रहा, उस समय अंकिता की बड़ी बहन 17 साल की थी, आज वही अंकिता की बड़ी बहन लिख के दे रही है कि उम्र 25 वर्ष, मतलब वो तब झूठ बोल रही है कि अब झूठ बोल रही है।
ये भी गलती से हो गया, इनके बाप का वीडियो है, स्टेटमेंट आएगा अगले कुछ दिनों में, अगले घंटों में, कि नहीं नहीं वो तो गलती से लिख गया हुआ। सारी गलतियाँ इन्हीं के साथ हो रही हैं, पूरा देश बेवकूफ़ है, यही सही है। यही इकलौते ऐसे बाप हैं जिनकी बेटी खोई है। 20,000 केस रोज़ होते हैं, साल भर में होते हैं देश में, उनकी बेटियों को इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन इनको चौचक चाहिए। ये चाहे जैसे गलत कानून का गलत इस्तेमाल करें, इनके लिए सब माफ है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये देश संविधान से चलेगा। और यकीन मानिए, अंकिता केस में अभी तो और चौंकाने वाले चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अगली वीडियो में आपको वो सारी कॉल रिलेटेड डिटेल्स में आपको बताऊँगा कि कब किसने कितने बजे किसको फ़ोन किया, कितनी बार फ़ोन किया, क्यों फ़ोन किया, और इसमें कितने लोग हैं। ये केवल शाहरुख और अंकिता का प्रेम मोहब्बत का कांड नहीं है, इसमें शाहरुख के अलावा और 4 लोग मोहब्बत का कांड है। अंकिता ये पुलिस रिकॉर्ड पे है, मैं नहीं कोई कहानी गढ़ रहा हूँ, और मैं जब रखूँगा तो वो दस्तावेज पुलिस के रख के आपसे बात करूँगा। उसमें ऐसे भी लोग निकल के आए हैं जो पर्दे के पीछे हैं, जिनकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। हत्या करने का उनके पास सबसे बड़ा मकसद है, लेकिन उनकी जानकारी आपको सोशल मीडिया पे नहीं दी जाएगी। कैसे दे देंगे कि एक हिंदू लड़का एक हिंदू लड़की को जला के मार दिया। आएगा, और विनय दुबे हकीकत सामने लाने से किसी के बाप से नहीं डरेगा। चाहे कितनों दबाव बना लीजिए, चाहे कितनों गालियाँ दे दीजिए, अंकिता हत्याकांड में वो सारे रहस्य आप लोगों के सामने रखेंगे। उसके बाद आप खुद तय करिएगा कि ये कांड क्यों हुआ और किसने किया। बहुत जल्द अगली वीडियो, तब तक आप मेरे फेसबुक पेज द विनय दुबे से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल द विनय दुबे को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अंकिता केस पूरी तरह से जैसे का तैसा आपकी आंखों के सामने सबूतों के साथ एक्सपोज करता रहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।